मैं परमपिता परमेश्वर जिनके कारण आज मैं यहां हूं, उनको मैं अंतरात्मा से प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं। अहिल्या बाई की इस धरती को और मां को और दुनिया के सारे मां पिता गुरु को हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं। यहां पे आए हुए एक एक महानुभाव मैं समझ सकता हूं कि समय की बहुत बड़ी कीमत है। समय की इतना बड़ा कीमत है, एक पल इंसान को बदल सकता है, एक पल एक क्षण में घटना घट सकती है और एक ही क्षण में क्रांति आ सकती है। जब जीसस को फांसी दिया जा रहा, सूली पर चढ़ाया जा रहा था, जीसस को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो जब उसे सूली पर चढ़ा दिया गया और उनके हृदय में जब कील ठोका जा रहा था, तो जीसस क्या बोलते हैं, हे ईश्वर यह तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। और अगले ही क्षण उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं खुद ईश्वर हूं। अगले ही क्षण उन्हें यह पता चला कि मैं ही ईश्वर हूं जिसका दावा मैं कर रहा हूं। और जब वह यह बात बोले कि हे ईश्वर ये तुम क्या करना चाहते हो, उस पल तक वो मेरियन के पिता, मेरियन का बेटा थे। और जिस पल उसे यह एहसास हो गया कि मैं ही ईश्वर हूं, उसी पल वह ईश्वर हो गया। एक क्षण उनके जीवन को भगवान बना दिया। तो आप लोग का एक एक क्षण की कीमत को मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस सेमिनार में भाग लिए हैं। धन्यवाद। बुद्ध बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठे हुए थे, वहां एक लगभग 65 साल के एक इंसान बैठा हुआ था, नया नया आया था वहां। तो बुद्ध ने पूछे कि तुम खड़े हो जाओ और यह बताओ कि तुम्हारा एज कितना हुआ। वह इंसान बोलता है कि मेरा एज 5 साल हुआ है। बुद्ध बोलते हैं कि क्या झूठ बोलते हो, यही तुमने शिक्षा ली है, 5 साल तुम्हारा एज है। देखने में तो तुम 65-70 साल का लगते हो। वह इंसान बोलता है कि महात्मा जी मैं इस 5 साल में सीखना शुरू किया हूं और जब से मैं सीखना शुरू किया हूं मैं उसी दिन से अपना एज को मानता हूं। सीखने की कोई भी एज नहीं होती है। तब बुद्ध जी ने बोले कि सुनो सारे भिक्षुओं, आज से तुम्हारी उम्र इनके अनुसार ही काउंट करना। जब से तुम सीखना शुरू किए हो, जानना नहीं मानना नहीं, जब से सीखना शुरू किए हो। और सीखना उसी मायने में होता है जिस चीज को आप जानते हैं, वह जानना नहीं है, सीखना नहीं है।
अगर इस सेमिनार से एक ही शब्द, एक ही आप जान जाएं और उसे जहन में बिठा लें, तो इस सेमिनार अद्भुत तरीके से सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। एक शब्द। और सीखने की उम्र इस प्रकार से आप आज से काउंट करें, जिस समय से आप अपने आप को बदलने के लिए, जो आज तक कर रहे हैं उसे नहीं करने के लिए, जितनी मुसीबतें, जितनी संकट, जो अमीर बनना चाहता हो, धन कमाना चाहता हो, सत्य को प्राप्त करना चाहता हो, या एक अलग इंसान दिखना चाहता हो, उसकी एज आज से अलग होगा। जिस समय से आप सीखना शुरुआत करें, आपकी एज वहीं से काउंट होगी, वहीं से काउंट होगी।